बिल्ली को मैं ढूंढ रहा इधर उधर, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल रही। ए बिल्ली कहाँ है तू? ये देखो ये इधर है बिल्ली, मैनेजर को ढूंढ लिया, तू मेरे से छुपके बैठ ली। चल अभी तेरे को ना ब्रश करने का और ब्रेकफास्ट करने का है, समझ गया बिल्ली? उसको लेके सोई थी अपने पास। कहाँ है मेरी कैट? मिया इधर बैठी है। गुड मॉर्निंग कैटी। मैंने ये बिल्ली का नाम है ना पहले से सोच के रखा है। ये बिल्ली का नाम मैं ना अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद में मैं बताने वाला है, तो मैं ना बिल्ली को उसी नाम से मैं फिर बाद में बुलाऊंगा। ये बिल्ली है, मेरे से बहुत प्यार करती है। तो मैं ना अपने कैट के साथ ही सोई थी, उसको है ना इतना मस्त लाया था मैंने, लेकिन है ना उसका फर्स्ट डे था ना हमारे घर में, तो थोड़ा सा वो इधर उधर भाग रही थी, घर देख रही थी, लेकिन बाद में सो गई थी वो। देखो यार ये उधर एक कोने में जाके बैठ गई। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। क्या है रे तेरा? नहीं नहीं के पीछे जाके छुप गई है, तो चीको और मैं उसको कब से आवाज लगा रही कि बाहर आ जा, आ ही नहीं रही है, वहीं पे छुप के बैठी है। तू आवाज दे चल। तो मैंने ये बिल्ली का नाम रखा मिया। इतना प्यार से आवाज लगा। वो उधर है, वो उधर है। हाय। ए बाहर आ जा भाई। है क्या? मैंने अभी तक कोई भी नाम नहीं सोचा यार, है ना ची? पर तूने ऐसे नाम क्यों सोचा मेरे को बता। देखो ये रहा कैट फूड। मिया अरे है क्या? नहीं बता ना जल्दी। यही है। कहाँ है? मामा। हाँ सोफा ढकलने बोल मामा को। ये लो मिया, खाना लो खाना लो खाना। ये ले। कैसा लग रहा है मम्मी आपको बिल्ली लेके? बहुत अच्छा लग रहा है ना, खुश लग रहा है ना एकदम। घर का माहौल ही चेंज हो गया। हाँ। खुश हो गए सब, और स्पेशली मम्मी ज्यादा खुश हो गए। तो हमारी मियाओं का खाना हो गया है, इसका हम है ना फेस वेट वाइप से पोंछ देते हैं। रुक जा मियाओ रुक जा। अरे मेरी चाय है उधर, रुको। देखो ये बिल्ली कैसे खेल रही है। So, मैं ना नहा के आ गई हूँ और अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आप सब लोग मैं से ना काफी सारी लड़कियाँ पूछती है आपके है ना विदाउट मेकअप स्किन कैसी लगती है। देखो अभी मैंने ना ही तो लिप बाम लगाया ना ही मॉइस्चराइजर, ऐसी लगती है मेरी स्किन, ऐसी लगती है मेरी स्किन विदाउट मेकअप। तो प्लान ये है कि आज है ना ड्रीम गर्ल 2 मूवी आने वाली है, तो हम सारी गर्ल्स ने सोचा है कि हम आज है ना मूवी डेट पे जाएंगे। तो मैं अपनी सारी गर्ल फ्रेंड्स को लेके मूवी पे जाने वाली हूँ, बहुत मजा आएगा ठीक है। और हाँ अभी रुको, मुझे पापा को भी तो ये प्लान बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान के बारे में पापा को कुछ भी नहीं पता है, और पापा को तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा ना पापा ने क्या बोला कि है ना कहीं पे भी जाना हो मुझे साथ लेके चलना। तो चलो पापा को बता देते हैं आज का प्लान। देखो पापा हॉर्न बजा रहे, एक तो पहले लेट हो जाता है यार हर बारी का, पता है आप सबको। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी चल रही है हमारे साथ। सॉरी पापा लेट हो गया, आने दो मम्मी को, फिर मैं आप सबको बताती हूँ हम लोग पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो पापा हमारा प्लान तो सुन लो, आप सबको तो हमारा प्लान पता ही है ना। तो सुनो अभी हमारी जो गर्ल्स गैंग है ना, हम सब लोग मूवी डेट पे जा रहे हैं, और आप दोनों का टिकट भी बुक कर लिया है मैंने। और मूवी पता है कौन सी है? हाँ। ड्रीम गर्ल 2। तो तुम ही जाना था ना फिर? नहीं नहीं आप भी चलो ना, हम कैसे जाएंगे, आप दोनों भी चलो मजा आएगा, है ना मम्मी? हाँ। देखो आ गए हम लोग रिलायंस मॉल ड्रीम गर्ल 2 देखने।
एक्शन मूवी में लेट होना। आ गए देखो दोनों अभी भी धीरे धीरे चल रहे हैं। मम्मी कुछ बोला करो ना। चलो चलो लेट किया है तुम दोनों ने। सॉरी क्या यार कितना लेट किया। आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा शर्म नहीं आता है कि अगर मूवी मिस हो गया कुछ हो गया तो? सॉरी ना अभी सॉरी ना। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत क्यूट लग रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। पप्पा है ना ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं यार। शिट ड्रीम गर्ल टू ड्रीम गर्ल टू ड्रीम गर्ल टू नहीं खुल जा सिम सिम खुल जा वो नहीं खुलेगा वैसे खुल जा। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो यार मुझे है ना पोस्टर के पास ऐसे है ना ये फोटो भी खिंचाना है। चलो जल्दी इन्होंने लेट किया यार ऐसे थोड़ी तो होता है। भागो भागो। देखो नहीं यार ड्रीम गर्ल भी अगर लड़के बन रहे तो लड़कियां क्या करे तो लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। हमारी शादी किसी हो गई अभी गर्ल गैंग पप्पा को ऐसे भूल जाओ थोड़ी देर। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। हो गया क्या? हो गया। चलो है ना मूवी स्टार्ट तो नहीं हो गई। पप्पा दो मिनट रुको हम अभी आए। देखो हमारी चश्मिश मम्मा है ना चश्मा ही भूल गए। हमेशा ऐसे ही होता है पता है हर मूवी को मम्मी चश्मा भूल जाती है। अब कैसे देखोगे? देखूंगी अभी धुंधला। कम ऑन गर्ल्स फॉलो मी शायद हम लोग ही आए मूवी देखने। अरे बाप रे पूरा थिएटर हमारा देखो। बोलो सुबह कैसे भी कैसी लगी तुम दोनों? बहुत अच्छी 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 है ना। मम्मी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है। और वो देखो पप्पा उधर चॉकलेट। सो मूवी खत्म हो गई और हम लोगों को है ना मूवी बहुत अच्छी लगी है कि नहीं गर्ल? चलो ठीक है मम्मी बोल रही है कि उनको बुटीक में जाना है तो वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद में ना मुझे मम्मी को लेके सैलून भी जाना है। मम्मी का हेयर कलर कराना है उनका पूरा लुक चेंज करना है क्योंकि यार आप सबको पता ही है ना कि मम्मी पापा भी म्यूजिक वीडियो में दिखने वाले हैं तो उनका लुक भी तो अच्छा होना चाहिए। कल तो पापा का हेयर कट वगैरह करा लिया तो आज मम्मी की बारी है अच्छे से उनका लुक चेंज करता है। ठीक है सो हम लोग आ गए बुटीक और मुझे है ना आते ही यहाँ पे एक ड्रेस बहुत पसंद आया। ये देखो कितना अच्छा ड्रेस है ना बहुत सारे यहाँ पे। ये वाला भी एक अच्छा ड्रेस है। देखो हमें ना पंजाबी सूट भी सिलाना है ना ये वाला एक अच्छा है। देखो डिजाइन भी अच्छी है और ऐसे ही चाहिए मुझे। हाँ ये व्हाइट वाला भी एक बहुत बढ़िया है इसको ऐसे ही डिजाइन करेंगे हम। तो हम ना नवारी साड़ी भी देखने आए यहाँ पे। देखो ऐसे एक नवारी साड़ी। नवारी साड़ी तो ठीक है बट मुझे ना रेड कलर में चाहिए। मुझे है ना ऐसे ही सूट चाहिए और मुझे है ना चार चार ऐसे सूट सिलवाने तो मैम वही बता रहे हैं। मेजरमेंट्स ले रहे हैं सूट के भी और ब्लाउज के भी। देखो अभी है ना मम्मी की भी मेजरमेंट ले रहे हैं। मम्मी को भी तो सूट सिलवाना है। चलो यहाँ का काम भी कंप्लीट हो गया। अभी आप है ना जबरदस्ती मेरे साथ सैलून चलोगे। क्यों? हेयर कलर कराना है आपका। चलो 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 लुक चेंज कराएगा। यस है ना पूरा चेंज कर देगी अभी मम्मी को। ये मम्मी को चेंज करेंगे मतलब मम्मी का लुक चेंज करेंगे। पापा अभी सैलून चल रहे हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं सैलून। पापा अभी क्या आप रुक रहे हो कि घर जा रहे हैं? मैं घर पे जा रहा हूँ तुम्हारा होने के बाद में मेरे को बोलो मैं आ जाऊंगा। जाओ जाओ ठीक है चलेगा। देखो कैसे बैठे हो सब लोग कंफर्टेबल हो मम्मी आप? हाँ स्पेशली मम्मी का। वाह ये देखो यहाँ पे किसका फोटो लगा हुआ है। कौन है पहचानते हो आप इस लड़की को? अच्छा लग रहा है ना मेरा फोटो। चलो मम्मी चलो हेयर स्पा के मैंने स्नैप निकालने दे। वाओ हाय मैम कैसे हो? बहुत मजे में हूं। तुम कैसे हो? एकदम मस्त। देखो बहुत दिनों के बाद आए हम मैम के पास में तो मैम से ना मैंने सुबह ही बात कर ली थी कि मम्मी का ना पूरा लुक चेंज करना है क्योंकि है ना गणपति वाले सॉन्ग में मम्मी पापा दोनों दिखने वाले। मम्मी पापा का भी शूट रहेगा। ये देखो ये कितने सफेद बाल हो गए। हाँ तो मम्मी का है ना हेयर कलर होने से पहले ना हम लोग आईब्रो कर लेते हैं। आईब्रो मीन्स है ना इनको बस शेप देना। ये देखो ये कैसे हो गए। इनको है ना अच्छे से शेप दे देंगे ताकि है ना चेहरे पे एक अच्छी सी रौनक आए।
शेप दिया है, पहले कैसे लग रहे थे और अभी कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताना, ठीक है। और मम्मी का भी हेयर कलर स्टार्ट हो गया उधर, आपको है ना मैं मम्मी के बालों का बिफोर लुक दिखाती हूँ। ये देखो कैसे बाल हो गए ये मम्मी के। अभी शांतनु भैया मस्त हेयर कलर करके देंगे, क्या अच्छा सा हेयर कलर सोचा है, कौन सा कलर कराना है वो तो बताओ। देखो मल्टीटास्किंग, इधर है ना भैया कलर कर रहे हैं और इधर ही है ना नेल्स कर रही है मम्मी के। मैंने बोला है नेल्स कर लो अच्छा लगेगा, तो मम्मी है ना रेड कलर के नेल्स करा रही है जो है ना हर आउटफिट पे मैच हो, सूट पे, साड़ी पे, सब इस पे। मैं नहीं करा रही क्योंकि यार ठीक है अभी मम्मी का ही कराते हैं, मेरे नेल्स ऐसे ही अच्छे हैं ना मैम। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। और हाँ यार जब भी सलून में जाते हैं ना बहुत लेट हो जाता है, घर जाते जाते अभी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना मम्मी का ये न्यू लुक और न्यू नेल्स पापा को दिखाएंगे। वाओ नेल्स तो बहुत सही लग रहे हैं मम्मी आपके, अच्छे लग रहे हैं। गर्ल्स आप लोग भी बताना कलर कैसे लग रहे हैं नेल्स का। रेड कलर इसलिए कराया है क्योंकि है ना ये सब आउटफिट पे जाता है ना। मम्मी चलो जल्दी, मुझे मेरी कैट से भी तो मिलना है, मैं दिन भर हुआ नहीं मिली उससे। देखो ना कौन आए घर में, देखो एक नई लड़की आ गई आपके घर में। अनिल भी तो दिखाओ। किसका खून करने का है? ऐसे फैशन है आजकल। हाँ ना पापा नील एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। ऐसे खून चढ़ाने का नाखून के ऊपर? खून नहीं है वो, रेड नेल पेंट है, वो इसीलिए लगाई है ताकि वो सारे आउटफिट पे मैच हो जाए। देखा कितनी तैयारी करके आई है मम्मी न्यू सॉन्ग के लिए, पापा सिर्फ हेयर कट करके आ गए। निकाले
ही आया। जिसके पास है ना जो नाम के चिप्स ज्यादा जमा होंगे वही नाम हमारी कैट का होगा। चल दूसरी निकाल। मिया वो चिप्स निकाल दी, अब लास्ट एक तीसरी चिप्स देखते हैं यार कुछ अच्छा हो। मिया चलो ये चिकू बेबी की चिट हम यहाँ पे रखते हैं ठीक है। कृष्णा ने दो मिया निकाले और एक चिंकी निकाला है, अब मेरी बारी। चलो लेट्स गो। शेयर करना ठीक है। बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि